हेलो गाइस, और कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर जानते हो तो यार वीडियो कंटिन्यू रखना, शायद आपको कुछ नया फैक्ट या फिर हो सकता है कुछ भी पता चल जाए। एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप लोग वीडियो को देख ही रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पहला जो फैक्ट है वो ये है कि आप लोगों को पता है स्पाइडरमैन 10 टन तक वजन उठा सकता है। और अगर बात करें हम स्पाइडरमैन की स्पीड की, तो स्पाइडरमैन 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। और अगर मैं आप लोगों को किलोमीटर में बताऊं तो स्पाइडरमैन एक घंटे में 321 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। तो अगला जो फैक्ट है वो ये है कि स्पाइडरमैन के जो पेरेंट्स थे वे शील्ड के एजेंट्स थे, और स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर के जो पेरेंट्स थे वे स्पेन में रहते थे। एंड स्पाइडरमैन जो था वो अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ न्यूयॉर्क में रहता था। तो फैक्ट ये है, जब स्पाइडरमैन के पेरेंट्स एक प्लेन में जा रहे थे तो रेड स्कल अपने एजेंट्स से उस प्लेन को क्रैश करा देता है, और जो स्पाइडरमैन के पेरेंट्स होते हैं उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तो अगला जो फैक्ट है वो स्पाइडरमैन की डेथ से रिलेटेड है। तो मार्वल कॉमिक्स में जो अल्टीमेट यूनिवर्स है उसमें अपना स्पाइडरमैन मर चुका है, और जो स्पाइडरमैन का कैमियो है वो माइल्स मोरेल्स ने ले लिया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो अल्टीमेट यूनिवर्स के विलन है वे हमारे मेन यूनिवर्स से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक हैं। तो अब अल्टीमेट यूनिवर्स में स्पाइडरमैन की डेथ के बाद जो स्पाइडरमैन का कैमियो है वो माइल्स मोरेल्स ले लेता है, और वहाँ का स्पाइडरमैन बन जाता है। तो अगला जो फैक्ट है वो सेम रायमी की स्पाइडरमैन मूवी से है। तो सेम रायमी का स्पाइडरमैन है ना, उसके पास कोई भी वेब शूटर नहीं है, बल्कि उसके हाथों में से ही वेब्स निकलते हैं। तो अगला जो फैक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये फैक्ट स्पाइडरमैन की कॉमिक्स द अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स से है, जिस कॉमिक्स में स्पाइडरमैन अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है, बल्कि स्पाइडरमैन वहाँ के लोगों का इतना फेवरेट हो जाता है कि वे स्पाइडरमैन को वहाँ अमेरिका का प्रेसिडेंट ही बना देते हैं। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगला जो फैक्ट है वो ये है कि जब ह्यूमन टॉर्च की डेथ हो जाती है तो जो हमारा अपना स्पाइडरमैन होता है वो फैंटास्टिक फोर की टीम को ज्वाइन करता है। तो अगला एंड इस वीडियो का जो लास्ट फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये फैक्ट सैम रायमी की स्पाइडरमैन मूवी से है। तो आप लोगों को स्पाइडरमैन की फर्स्ट मूवी का वो सीन तो याद ही होगा, जिस सीन में स्पाइडरमैन एक ट्रे में सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से कैच कर लेता है। तो जो ये सीन है वो सैम रायमी ने रियल में किया था। उनके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हैं कि उन्होंने उस ट्रे में सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से कैच कर लिया था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये फैक्ट कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन से फैक्ट मालूम थे और कौन से नहीं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देना, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक यू बी स्ट्रॉन्ग टू होल्ड द पावर्स ऑफ द सन।